हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर द फॉलोइंग ए पी इज़ राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर हमें ए पी दी हुई है हमें उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल है इसको हम एक एक पार्ट को बड़े ध्यान से करेंगे फर्स्ट पार्ट है थ्री वन माइनस वन माइनस थ्री यहाँ पर हमें ए पी की है ये इसकी फेस्टर्म क्या होगी थ्री फेस्ट्रम है यहाँ पर थ्री जो सबसे पहले लिखी हुई है फेस्ट्रम है थ्री सेकेंड टर्म है वन थर्ड टर्म माइनस वन फोर्थ टर्म माइनस थ्री तो हमें बताना है फेस्टर्म कौन सी होगी तो फेस्टर्म हो जाएगी ए पी की थ्री कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या होता है कॉमन डिफरेंस किन्हीं भी दो कंसुकेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है दो लगातार ट्रम्स के बीच का डिफरेंस ये हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म वन बाई वन हम सभी पार्ट्स को हल करते हैं फर्स्ट है थ्री वन माइनस वन एंड थ्री ये एक ए पी है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमें यहाँ पर इसकी टर्म फाइंड आउट करनी है तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि टर्म क्या है तीन थ्री तो ए को हमने मान लिया फर्स्ट फेस्टर्म तो टर्म यहाँ पर है थ्री फिर कॉमन डिफरेंस डी कॉमन डिफरेंस को हमने डी से डिनोट किया है कॉमन डिफरेंस यहाँ हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म किन्हीं भी दो कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ही क्या होता है कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पर हम निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस टर्म सेकेंड टर्म हमारी है वन टर्म है थ्री तो वन माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस तो यही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकंड पार्ट है माइनस फाइव माइनस वन थ्री एंड सेवन यहाँ पर इस ए पी के अंदर फेस्ट्रम इज़ इक्वल टू है माइनस फाइव बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिया हुआ है फेस्ट्रम है माइनस फाइव कॉमन डिफरेंस डी सेकेंड ट्रम माइनस फेस्ट्रम सेकेंड ट्रम है माइनस वन माइनस फेस्ट्रम है माइनस फाइव माइनस वन माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू फोर तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा फोर थर्ड पार्ट है वन बाई थ्री फाइव बाई थ्री नाइन बाई थ्री थर्टीन बाई थ्री ए इज़ इक्वल टू वन बाई थ्री फैस्टर्म हो जाएगी हमारी वन अपॉइंट थ्री डी कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कोई भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम लेते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है फाइव बाई थ्री टर्म है वन बाई थ्री थ्री एल्सियम फाइव माइनस वन फोर बाय थ्री तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा फोर अपॉन थ्री फोर्थ पार्ट है इसी प्रकार से फोर्थ पार्ट हो जाएगा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सॉरी यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारे पास जीरो पॉइंट सिक्स कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है वन पॉइंट सेवन माइनस है जीरो पॉइंट सिक्स दोनों का डिफरेंस करेंगे वन पॉइंट वन यही हमारा आंसर होगा तो बच्चों आप यहाँ पर बड़ी आसानी से कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं